इस प्रेस पास वार्ता का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायत हसनपुर पर लगाए गए जो आरोप हैं वो निराधार साबित हुए। माननीय एडीसी महोदय पलवल द्वारा बीडीपीओ हसनपुर कार्यालय को जांच दी गई। उस जांच उपरांत हमने अपनी पूछताछ में पता किया क्या क्या आरोप लगाए गए कि पार्क के नाम पर सरपंच ने 38 लाख रुपए का गबन किया है और लाइब्रेरी में मेज कुर्सी इत्यादि की खरीद पर 3.25 लाख रुपए का गबन किया है, जो कि बिल्कुल निराधार और झूठे साबित हुए हैं। ग्राम पंचायत ने पार्क के नाम पर कोई पेड़ पौधों की खरीद नहीं करी, ना ही कोई ट्रैक बनवाया और ना ही उसके ऊपर किसी भी फंड से ग्राम पंचायत ने कोई खर्चा दिखाया। रही बात लाइब्रेरी की, लाइब्रेरी ग्राम पंचायत ने लगभग 12 लाख रुपए की लागत से बनाई है, जो आज भी है। उसके मेज कुर्सी और अलमारी वगैरह खरीदने के ऊपर ग्राम पंचायत ने 1 रुपए का भी किसी भी फंड से कोई खर्चा नहीं किया। क्या इसकी कोई जांच की गई है जिसमें दावा किया गया है कि खुलासा हुआ है क्या? हाँ, इसकी जांच हितेश जिंदल जी ने करवाई थी, बीडीपीओ साहब के द्वारा जांच हुई और भी अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया है। उस जांच में ये सारे आरोप निराधार साबित हुए।